शनिवार का सूरज गाजा पट्टी में धमाकों की गूंज के साथ उगा। फिलिस्तीन की आतंकी संगठन हमास ने इसराइल पर महज 20 मिनट में 5,000 रॉकेट दागे। हमले में अब तक 300 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है, 3,000 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। वहीं हमास की ओर से दावा किया गया है कि उसने कई इजरायली सैनिकों को बंधक बना लिया है। वहीं कई इजरायली नागरिकों को भी बंधक बनाए जाने की जानकारी है। वहीं इजरायल भी जवाबी हमले कर रहा है। हमास ने पूरी प्लानिंग के साथ इजरायल को निशाना बनाया, जिसकी तैयारी वो काफी वक्त से कर रहा था। हमले को इजरायली खुफिया एजेंसी की बड़ी चूक बताया जा रहा है। कारण, दुनिया की सबसे तेज तर्रार एजेंसियों मोसाद और शिन बेट के होते हुए भी हमास द्वारा हमले की प्लानिंग का पता नहीं लग सका। वहीं ये सब तब हुआ है जब इजरायल के पास दुनिया की सबसे मजबूत सेनाओं में से एक है। इतना ही नहीं, देश के बॉर्डर पर सुरक्षा कैमरे, शिन बेट और मोसाद के एजेंट्स, अत्याधुनिक थर्मल इमेजिंग और मोशन सेंसर तैनात है। वहीं यहाँ पर आधुनिक बॉर्डर फेंसिंग, आयरन डोम लगाने के बावजूद भी ये हमला नहीं रोका जा सका। जानकारों की माने तो इसराइल ईरान से मुकाबला करने और इस्लामिक गणराज्य के परमाणु कार्यक्रम को विफल करने के प्रयासों में इतना व्यस्त हो गया कि उसने अपने ही दूसरे छोर पर मौजूद फिलिस्तीन पर ध्यान ही नहीं दिया। वहीं कुछ लोगों का ये भी कहना है कि नेतन्याहू सरकार द्वारा न्याय प्रणाली में किए गए बदलाव को लेकर तेल अवीव समेत कई शहरों में चल रहे विरोध प्रदर्शन का भी फायदा दुश्मन देशों ने उठाया है। कारण, कई नेताओं ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया। हमास ने हमलों की जिम्मेदारी ली और इसे इसराइल के खिलाफ सैन्य कार्रवाई बताया है। हमास के अल कासम ब्रिगेड ने अपने ऑपरेशन अल अक्सा फ्लड के दौरान कई इजरायली सैनिकों को पकड़ने का दावा किया है। उसने अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पर ऐसे वीडियोस शेयर किए हैं जिनमें कहा गया है कि इजरायली बंदियों को गाजा में जिंदा ले जाया गया। हमास की माने तो इसराइल के करीब 5,000 सैनिकों को बंधक बना लिया गया है। वहीं कई इजरायली सैनिकों के मारे जाने की भी आतंकी संगठन ने बात कही है। हमास के हमले के बाद इसराइल ने भी युद्ध की घोषणा कर दी है। इसके बाद रात होते होते पूरा मंजर बदल गया। हमास के हमले के जवाब में इसराइल की ओर से शुरू किए गए ऑपरेशन आयरन स्वॉर्ड्स के जरिए हवा, जमीन और समुद्र से गाजा पट्टी में रॉकेटों की बौछार की जा रही है। मजहब और जमीन की जंग दोनों देश इसराइल और फिलिस्तीन के बीच दशकों से चली आ रही है। इस जंग के चलते कई बार मध्यपुर की जमीन पर बेगुनाहों का खून बहा है। इसराइल एक यहूदी देश है जबकि फिलिस्तीन मुस्लिम बहुल देश है। दोनों मुल्कों के बीच ये जंग इसराइल की स्थापना के पहले से जारी है, क्योंकि फिलिस्तीन और कई मुस्लिम देश इसराइल को यहूदी राष्ट्र के रूप में मानने से इनकार करते हैं। साथ ही दोनों ही देश यरूशलेम को ही अपनी राजधानी मानते हैं। इन दोनों देशों के बीच गाजा और यरूशलेम पर कब्जे की लड़ाई दशकों से जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, पत्रिका टीवी।